हेलो दोस्तों ब्लेंडर के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है दोस्तों मैं इस समय आप लोगों को ब्लेंडर में जियोमेट्रिक नोट्स के बारे में सिखा रहा हूं दोस्तों आप लोगों को आई थिंक ब्लेंडर में सभी नोट्स के बारे में अच्छे से नहीं पता है इसीलिए दोस्तों मैंने डिसाइड किया है कि मैं आप लोगों को ब्लेंडर में जियोमेट्रिक के जितने भी नोट्स हैं सबके बारे में सेपरेटली और डिटेल में अच्छे से समझा दूँ इससे क्या होगा दोस्तों आपको ब्लेंडर में जियोमेट्रिक के सभी नोट्स के बारे में मालूम चल जाएगा और आपको जियोमेट्रिक नोट सीखने में कोई भी इशू नहीं आएगा तो चलो दोस्तों हम अपने ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं ब्लेंडर का 3.1 वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ ठीक है अभी हमें करना क्या है दोस्तों विंडो को स्प्लिट कर देना है ओके तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कर्सर को रखेंगे और उसको ड्रेक कर देंगे ठीक है फिर दोस्तों आपको यहाँ पर आ जाना है एडर टाइप के ऊपर और दोस्तों आपको जियोमेट्री नोर एडर को चूज़ कर लेना है एंड प्रेस कर देना है उसको हाइड कर देना है इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है निगो पर आपको क्लिक कर देना है ओके जैसे दोस्तों आप निगो पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको ग्रुप इनपुट और ग्रुप आउटपुट दो नोट्स मिल जाएंगे जो कि आपस में कनेक्टेड हैं ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है एड में जाना है जियोमेट्री में जाना है अब दोस्तों यहाँ पर आपको अलग अलग नोट्स दिखाई दे रहे हैं तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इन सभी नोट्स के बारे में समझेंगे ठीक है सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बाउंडिंग बॉक्स है अब ये बाउंडिंग बॉक्स होता क्या है ये जो है दोस्तों एक हमारा क्यूब है इस क्यूब को क्या करेगा ये चारों तरफ से घेर देगा ठीक है घेर देगा मतलब इसको पैक कर देगा ठीक है तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे अभी दोस्तों हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया है लेकिन यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है टेप प्रेस करके आ जाना है एडिट मोड में फिर दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ से टूगल एक्सरे को चूज कर लेना है ठीक है फिर आपको थ्री प्रेस करना है और फेस सिलेक्शन पर आ जाना है फिर इस फेस को सेड कर लेना है ओके अब दोस्तों हम क्या करेंगे इसको स्केल डाउन करेंगे जैसे दोस्तों हमने क्या किया इसको स्केल डाउन किया आप देख सकते हैं जो हमारा ओरिजिनल क्यूब है वो स्केल डाउन हो गया है लेकिन दोस्तों ये बाउंड्रिंग बॉक्स है ना इसको घेर कर रखा है ठीक है ओके अगर आप इसको स्ट्रूट करते हो तो यहाँ पर देख पा रहे हो स्ट्रूट तो हो रहा है लेकिन फिर भी ये बाउंड्रिंग बॉक्स है यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है यहाँ पर आप देख पा रहे हो हम यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं तो ये इसके अंदर हो रहा है लेकिन इसके बाहर नहीं हो रहा है ठीक है ऑटोमेटिक तरीके से ये बाउंडिंग बॉक्स यहाँ पर सेप ले ले रहा है ठीक है उसके बाद दोस्तों हमारे पास है दूसरा जो नोड है वो है कन्वेक्स होल अब ये होता क्या है जैसे दोस्तों बाउंडिंग बॉक्स है वैसा ही कन्वेक्स होल है लेकिन दोस्तों जो कन्वेक्स होल है ना एक प्लास्टिक बैग जैसा इसको अटैच कर लेता है वो कैसे हम क्या करेंगे पहले इसको रिमूव कर देंगे ओके फिर दोस्तों इसको हम कनेक्ट करेंगे अब आप देख पा रहे हो दोस्तों जब मैंने बाउंडिंग बॉक्स को कनेक्ट किया था तो यहाँ पर एक क्यूब बन गया था ठीक है लेकिन यहाँ पर जब मैंने कन्वेक्स होल को कनेक्ट किया तो कोई भी क्यूब नहीं बना है ओके अब दोस्तों हम क्या करेंगे इसको स्ट्रूट करेंगे ओके आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैं वर्ड्स इसको स्ट्रूट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है ये जो कन्वेक्स होल है इसका सेप ले, ले रहा है ठीक है उसके बाद दोस्तों हमारा जो नोट्स है वो है डिलीट ज्योमेट्री इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ पहले इसको सेप को परफेक्ट कर देता हूँ अभी दोस्तों यहाँ पर है डिलीट ज्योमेट्री अब दोस्तों इसका जो नाम है डिलीट ज्योमेट्री मतलब ज्योमेट्री को क्या करेगा डिलीट कर देगा यहाँ पर हम करते हैं कनेक्ट और यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो क्या हो okay, गया दोस्तों डिलीट हो गया लेकिन डिलीट जियोमेट्री का यूज़ करके आप और भी वैरायटी क्रिएट कर सकते हो ठीक है उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च करना है सब तो सब डिवाइड मेस आ जाएगा आपको ले लेना है ओके okay? फिर दोस्तों हम यहाँ पर यूज़ करेंगे नोइस टेस्टर को ओके okay? उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम यूज करेंगे कलर रैम्प को फिर आपको क्या करना है इस फैक्टर को कनेक्ट कर देना है उसके बाद दोस्तों कलर को सिलेक्शन से कनेक्ट कर देना है ओके अब दोस्तों आप देख पा रहे हो जैसे ही मैं इस ब्लैक वाले पार्ट को यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर जो हमारी ज्योमेट्री है मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा आ गया ओके तो यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों आप इसको हाफ डिलीट कर सकते हो और यहाँ पर दोस्तों अलग अलग ऑप्शन है पॉइंट एजिस फेसिस तो आपको जैसा जिसको डिलीट करना है उसको आप डिलीट कर सकते हो ओके कि किसका यूज़ करके दोस्तों डिलीट जियोमेट्री का यूज़ करके ठीक है उसके बाद दोस्तों जो हमारा नोड है वो है जियोमेट्री इंस्टेंस जियोमेट्री टू तो इंस्टेंस ये दोस्तों क्या करता है जियोमेट्री को फास्ट कर देता है लेकिन यहाँ पर हमें इसका कोई यूज़ नहीं है और आने वाले काफ़ी सारे पार्ट में इसका कोई यूज़ नहीं है तो मैं यहाँ पर इसके बारे में आपको नहीं बताऊँगा लेकिन जब भी मैं इसको यूज़ करूँगा आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा ठीक है उसके बाद दोस्तों हमारा जो नोड है वो है मर्ज बाय डिस्टेंस ठीक है अब आपको आइडिया आ जाएगा मर्ज बाय डिस्टेंस मर्ज मतलब आपस में इसको कनेक्ट कर देना ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको रखेंगे दोस्तों यहाँ पर मैं थ्री पॉइंट वन वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ अगर आप इससे लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे ठीक है अभी ये होता क्या है अब आप इसको इंक्रीज़ करोगे ना तो ये क्या होगा दोस्तों जो भी इसके पास वाला जो पार्ट है पहले वो आपस में मर्ज हो जाएगा जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करते जाओगे वैसे वो मर्ज होते जाएगा ठीक है उसके बाद दोस्तों जो हमारा नोड है वो है जियोमेट्री प्रॉक्सीमिटी दोस्तों मैंने प्रॉक्सीमिटी के बारे में आपको एक वीडियो बनाई है और उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया है लेकिन यहाँ पर मैं आपको फिर से डिटेल में बता देता हूँ अगर दोस्तों आपको वीडियो देखनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप जाके वहाँ से वीडियो को देख लेना ठीक है अभी हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर इसको साइड में कर देते हैं यहाँ पर आपको फाइंड करना है ग्रिड ओके यहाँ पर इसको करेड कर देना है इसको कर देना है थ्री मीटर और आपको क्या करना है इसको कर देना है टेन ओके यहाँ पर दोस्तों आपको फिर सेट पोजीशन नोड को सर्च करना है ठीक है और लाकर कर यहाँ पर सेट कर देना है फिर दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर कंबाइन एक्स वाई जेड को फाइंड करना है ओके इसको लाकर कर यहाँ पर रख देना है यहाँ पर आ जाना है शिफ्ट प्रेस करना है और आपको एक यूवी स्फीयर को चूज कर लेना है इसको साइड में कर देना है और थोड़ा स्केल डाउन कर देना ओके okay? फिर इसको सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यूवी स्फेयर के नोड को ड्रेक करके यहाँ पर लाकर सेट कर देना है ओके okay? जियोमेट्रिक को टारगेट से कनेक्ट कर देना है पोजीशन को जेड से कनेक्ट कर देना है ओके okay? फिर क्या करना है दोस्तों इस वेक्टर को ऑफसेट से कनेक्ट कर देना ओके ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर अभी कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो लेकिन आप यहाँ पर रिलेट के ऊपर क्लिक करोगे ना तो अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों इफ़ेक्ट क्रिएट होने लग जाएगा ठीक है यहाँ पर मैं आपको बस एक सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैंने एक वीडियो बनाई है जैसे कि मैंने पहले बताया है उसके अंदर आपको मैंने इसके बारे में बहुत ही डिटेल से बताया है तो आप क्या करना उस वीडियो को देख लेना ठीक है आपको काफ़ी सारा आइडिया आ जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा जो नोड है वो है जॉइन ज्योमेट्री दोस्तों इससे पहले मैंने कई सारी वीडियो में ज्वाइन ज्योमेट्री का यूज़ किया है और यहाँ पर मैं आपको मैं करके बताता हूँ वो होता कैसे है ओके यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर दिया अब यहाँ पर मैं एक क्यूब को ले लेता हूँ ठीक है अगर मैं इस क्यूब को इससे कनेक्ट करूँ तो यहाँ पर क्या होगा जो हमारा प्लेन ऑब्जेक्ट था वो क्या हो गया हाइट हो गया है लेकिन हमें ऐसा रखना है कि प्लेन भी दिखे और या क्यूब भी दिखे तो क्या करेंगे दोस्तों हम इसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे ठीक है इससे क्या हो दोस्तों क्यूब और प्लेन दोनों ही दिखाई दे रहे हैं ठीक है ओके ऐसा दोस्तों आप जॉइन ज्योमेट्री का यूज़ करके कर सकते हो और यहाँ पर आप ही नहीं मतलब कई सारे नोट्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो ज्वाइंट ज्योमेट्री का यूज़ करके ठीक है उसके बाद दोस्तों जो हमारा नोड है वो है रे कास्ट अभी दोस्तों बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही मज़ेदार है रे कास्ट अब ये करता क्या है मैं यहाँ पर एक नए ऑब्जेक्ट को एड करके आपको बताता हूँ यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक ट्यूब ओके इसको थोड़ा स्केल डाउन करके नीचे ला देता हूँ अभी दोस्तों रेकास्ट करता क्या है यहाँ से यहाँ के बीच में एक रे को क्रिएट कर देता है वो कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर सेट पोजीशन नोड को फाइंड करना है ओके यहाँ पर ला कर रख देना है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सब लिखना है और सब डिवाइड में इसको चूज कर लेना है ठीक है यहाँ पर ला कनेक्ट कर देना है और शू कर देना है फोर ओके फिर दोस्तों यहाँ से आपको इस क्यूब के नोड को यूज़ करना है तो यहाँ पर ला रख देना है मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है इस जियोमेट्री को टारगेट से कनेक्ट कर देना है और दोस्तों हिट पोजीशन को ऑपसेट से कनेक्ट कर देना है ठीक है अब दोस्तों हम क्या करेंगे इसको थोड़ा तो साइड में कर देंगे और यहाँ पर आपको रिलेट के ऊपर रिलेटिव के ऊपर क्लिक कर देना है ओके अब दोस्तों जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट को इस प्लेन के नीचे लेकर आओगे ना ये क्या होगा यहाँ पर रे को क्रिएट कर देगा कैसे देखो ओके देख रहे हो जैसे दोस्तों मैं इस क्यूब को यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर एक ऐसा क्रिएट हो जा रहा है ठीक है आगे आने वाली वीडियो मैं आपको दोस्तों रे कास्ट के बारे में और भी डिटेल में बताऊंगा ठीक है उसके बाद दोस्तों जो हमारा नोड है वो है सेपरेट कॉम्पोनेंट्स ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक नए ऑब्जेक्ट का यूज़ करूंगा इसको समझाने के लिए यहाँ पर आ जाना है और फाइंड करना है डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट ऑन फेसिस ठीक है तो आप डी आई लिखोगे तो यहाँ पे आपको दूसरे नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा आपको क्या करना है इसको चूज कर लेना है फिर दोस्तों आपको क्या करना है ज्वाइन ज्योमेट्री को फाइंड करना है ओके यहाँ पर लाकर इसको सेट कर देना है आपको क्या करना है इसको मेस से कनेक्ट कर देना है और इस पॉइंट को ज्योमेट्री से कनेक्ट कर देना है अब दोस्तों आपको यहाँ पर पॉइंट्स दिखाई देने लग गए हैं ठीक है अभी मुझे दोस्तों क्या करना है इन सबको सेपरेट करना है ठीक है तो हम क्या करेंगे सेपरेट कंपोनेंट का यूज़ करेंगे ओके डन यहाँ पर दोस्तों है मेस तो यहाँ पर सिर्फ मेस है अगर आप इसको कर दोगे तो यहाँ पर सिर्फ पॉइंट हो जाएगा ओके उसके बाद दोस्तों जो हमारा नोड है वो है सेपरेट जियोमेट्री अभी दोस्तों क्या होता है जियोमेट्री को सेपरेट कर देता है कैसे मैं आपको सिखाता हूं यहाँ पर आ जाना है और फाइंड करना है सब डिवाइड ठीक है फिर फाइंड करना है कलर रैम्प ओके उसके बाद फाइंड करना है नॉइस टेक्सचर इसको कर देना है कनेक्ट यहां से फिर क्या करना है इसको यहां पर रख देना है और दोस्तों आपको इस कलर को सिलेक्शन से कनेक्ट कर देना है ओके अब दोस्तों आपको क्या करना है इसको ऐसे ड्रेक करना है जैसे आप यहाँ पर ड्रेक करोगे यहाँ पर ही क्या होगा दोस्तों इसको सेपरेट कर देगा ठीक है अभी दोस्तों यहाँ पर है पॉइंट तो आप इसको एज कर सकते हो आप इसको फेस कर सकते हो जैसे दोस्तों हमने डिलीट जियोमेट्री का यूज़ करना सीखा था सेम वैसे ही है सेपरेट जियोमेट्री ओके अब दोस्तों इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है ट्रांसफॉर्म सेट आई और सेट पोजिशन दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसपोर्ट सेट आईडी और सेट पोजिशन के बारे में बताऊंगा। सेट आईडी का कोई भी यूज़ नहीं होता है बहुत ही रेयर यूज़ होता है तो मैं आपको ट्रांसफॉर्म और सेट पोजिशन के बारे में बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर आपको अलग किसी नोट्स के बारे में पूरी डिटेल दूँगा ठीक है तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए ट्यूटोरियल के साथ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें